हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम एवरेज टॉपिक के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि पिछले कुछ इयर्स में अलग अलग कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम जो है बैंक एग्जाम 2008 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में? एवरेज ऑफ फाइव कंजिक्यूटिव नंबर्स दी हुई है 48 और हमें फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई। ठीक है, और नंबर्स जो है कंजिक्यूटिव नंबर्स है, ये ध्यान में देना है। ठीक है, चलिए नंबर्स हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर्स ए बी सी डी एंड ई। ए को हम क्या एज्यूम करेंगे? एक्स एज्यूम करते हैं, तो बाकी सारे नंबर हो जाएंगे। देखिए, बी आपके हो जाएंगे एक्स प्लस वन, उसके बाद सी हो जाएंगे एक्स प्लस टू, डी हमारा हो जाएगा एक्स प्लस थ्री एंड ई जो हो जाएगा एक्स प्लस फोर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एवरेज दी हुई है, एवरेज अगर कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ डेटा हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स है, तो ऐड कर लेंगे सारे नंबर्स को। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। ठीक है, टोटल 5 नंबर्स हैं, तो हमें 5 से डिवाइड करनी है और ये किसके बराबर दी हुई है? एवरेज 48। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो आपको हो जाएंगे 5x प्लस 4 प्लस 3 7 टू 9 1 10 10 इक्वल टू 48 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 240। तो यहां से हमें मिल जाएगा 5x इक्वल टू 240 माइनस 10 मीन्स 230 और x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 230 डिवाइडेड बाय 5 तो हमें मिल जाएगी 46। ठीक है, अब देखिए हमें प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई फाइंड करनी है। तो ए तो हमारा एक्स के बराबर है। ठीक है, सो ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू 46 एंड ई जो है हमारी एक्स प्लस 4 है। एक्स प्लस 4 मीन्स 46 प्लस 4 इक्वल टू 50। देयरफॉर प्रोडक्ट हमें फाइंड करनी है ए एंड ई की, तो ए इंटू ई हमारी हो जाएगी 46 इंटू 50। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएंगे 2300 हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में? 6 persons went to a hotel। ठीक है, एक होटल जाता है 6 लोग और ऑर्डर करते हैं अपने मील। 5 लोग जो हैं 32 रुपीज स्पेंड करते हैं अपने मील पर। ठीक है, पर हेड 32। और 6 पर्सन जो है वो 80 रुपीज ज्यादा खर्च करता है, और किससे ज्यादा करता है? जो 6 लोग के मिलाकर एवरेज होंगे। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल द पर्सन। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेंगे एवरेज। लेट द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल ऑल 6। ठीक है, 6 के एवरेज को एज्यूम करेंगे क्योंकि उसकी जो है एवरेज से 80 ज्यादा है 6 पर्सन की। ऑल 6 बी रुपीज एक्स। ठीक है, तो देखिए 5 लोगों की एवरेज है 32, तो 5 इंटू 32 प्लस 6 पर्सन जो है वो कितना कर रहा है एवरेज से 80 ज्यादा, और एवरेज हमारा एक्स है, प्लस 80 इक्वल टू टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 6 लोग हैं और एवरेज एक्स है, तो 6 इंटू एक्स। यहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी है, क्या हो जाएगा? 240
प्लस एक्स इक्वल टू 6x, तो 5x हमारा हो गया 240 के बराबर, तो x इक्वल टू 48। अब हमें क्या फाइंड करनी है, देखिए टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल द पर्संस, ठीक है, देयरफॉर टोटल मनी स्पेंट क्या हो जाएंगे, रुपीज 6x, तो 6 × x की वैल्यू हमारी है 48, तो ये आ जाएगा हमारा रुपीज 288, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम देखिए सीपीओ एग्जाम 2006 में पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में, एवरेज एज जो है 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम वो इंक्रीज हो जाती है बाय 2 मंथ्स जब 2 प्लेयर को रिमूव कर रिप्लेस किया जाता है, और जिन्हें रिप्लेस किया जाता है उनकी एज थी एक की 18 ईयर्स और दूसरे की 20 ईयर्स। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है एवरेज एज ऑफ जो 2 नए लोग आते हैं उनकी एवरेज एज फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखिए ये वाली प्रॉब्लम जो है आपको एसएससी 2007 में पूछी गई है। टोटल एज कितनी इंक्रीज हो जाएगी जब 2 लोग रिप्लेस होंगे, टोटल एज इंक्रीज्ड इक्वल टू 11 प्लेयर्स होंगे और 2 मंथ से इंक्रीज हो रही है, तो 2 मंथ × 11 और इतने मंथ्स हो गए, ठीक है, तो 22 मंथ्स। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 22 मंथ्स ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, रिप्लेस हो रहे हैं जो वो 18 ईयर्स और 20 ईयर्स के हैं, ठीक है, तो नए 2 प्लेयर्स की एज कितने हो जाएंगे, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स ठीक है, एक की एज देखिए इतना से इंक्रीज हो रहा है, 22 मंथ से इंक्रीज हो रहा है, मींस जो लोग रिप्लेस किए गए हैं प्लस 22 मंथ, ठीक है, तो 18 एक की थी दूसरे की 20 और ये इयर्स में है, इयर्स प्लस 22 मंथ्स, और ये हो जाएंगे आपको 20, 30, 38 ईयर्स एंड 22 मंथ्स। ठीक है, बट हमें फाइंड करनी है एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स, देयरफॉर क्योंकि 2 प्लेयर ही रिप्लेस किए जा रहे हैं, देयरफॉर एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स कितना हो जाएगा, जितना सम है डिवाइडेड बाय 2, तो 38 ईयर्स 22 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 19 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम भी देखिए आपको एसएससी एग्जाम 2007 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, 10 साल पहले जो है एक फैमिली के 4 मेंबर की एवरेज एज थी 24 ईयर्स, उसके बाद 2 बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, बट स्टिल आज भी प्रेजेंट टाइम में वो 2 बच्चे का मिलाकर, ठीक है, जो एवरेज एज मतलब 6% का हो जाएगा, 6% की एवरेज एज स्टिल 24 ईयर्स है, ठीक है, और उन दोनों बच्चे जो नए आपका बर्थ लिए हैं उनकी एज डिफरेंस जो है 2 ईयर्स की है एट प्रेजेंट, ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगर चाइल्ड, यंगर चाइल्ड जो छोटा होगा उसकी एज हमें बतानी है। कैसे करेंगे, तो देखिए सम ऑफ एजेस ऑफ 4 मेंबर्स, सम ऑफ एजेस ऑफ 4 मेंबर्स, ठीक है, 10 ईयर्स अगो की बात कर लेते हैं पहले, 10 ईयर्स अगो,
कितनी थी एवरेज? 24, तो 24 इंटू 4 मेंबर्स, तो टोटल हो जाएंगे 96 इयर्स, ठीक है। अब प्रेजेंट एज अगर बात करें इन चार मेंबर्स की, सम ऑफ या एट प्रेजेंट सम ऑफ एजेस ऑफ फोर मेंबर्स, ठीक है, तो उस समय जितनी एज थी, तो उस समय 96 थी सम, प्लस देखिए चार मेंबर हैं, तो हमने 10 साल पहले बात किया 96 थी, अभी क्या होगा, हर एक की एज 10 ईयर से इंक्रीज हो जाएगी 10 साल के बाद, तो 4 × 10, ठीक है, तो 40 + 96 और ये हो गए हमारे 136 इयर्स, 136 इयर्स जो है उन चारों की एज है। अब देखिए दो बच्चे आते हैं, ठीक है, दो बच्चे ऐड होते हैं और उनकी एज डिफरेंस है 2 इयर्स, तो हमें छोटे बच्चे की एज फाइंड करनी है, तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट एज ऑफ यंगर चाइल्ड बी एक्स, ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी सबकी, चलिए अगर टोटल सम ऑफ एजेस हम बात करते हैं, तो एक्स तो हो गई सबसे छोटे चाइल्ड की, प्लस उससे जो बड़ा है वो एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स प्लस टू, बाकी चारों की प्रेजेंट एज 136, अभी हमने कैलकुलेट किया, टोटल हो गए 6 मेंबर, तो 6 × एवरेज एज 6ों की कितनी है, क्योंकि सेम है, पहले 24 ईयर थी, अभी भी एवरेज 24 है, ठीक है, तो 6 × 24, तो ये कितना हो जाएगा 144। चलिए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए 2x + 136 + 2, तो 144 - 138, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे 6/2 = 3, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ यंगर चाइल्ड x के बराबर होगी, प्रेजेंट एज ऑफ यंगर चाइल्ड इज इक्वल टू 3 इयर्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला जा रहा है, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, क्लास 10 की जो लड़कियां हैं उनकी एवरेज एज 73 है, और बॉय की एवरेज स्कोर 71 है, और सभी स्टूडेंट के एवरेज स्कोर की बात करें क्लास 10 की, तो 71.8 है, तो हमें फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितने हैं क्लास 10 में, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम देखिए आपको एसएससी 2008 में पूछी गई है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ले गर्ल्स परसेंटेज बी एक्स परसेंट, ठीक है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज परसेंटेज टोटल तो 100% ही होंगे, तो 100 - x परसेंट। अब देखिए हम टोटल स्कोर फाइंड कर लेते हैं, तो गर्ल्स की परसेंटेज x है, तो x इंटू, ठीक है, आउट ऑफ 100 x इंटू 73 है उनके एवरेज स्कोर, तो x इंटू 73 प्लस बॉयज के नंबर्स हो जाएंगे आउट ऑफ 100 में 100 - x इंटू बॉयज के एवरेज 71 इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स हमने 100 एज्यूम किया, तो 100 इंटू क्या हो जाएंगे एवरेज स्कोर 71.8, ठीक है 71.8। चलिए अब 73x - 71x इक्वल टू 7180 - 7100, तो ये हमारा आ गया ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू 80, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 80/2 = 40, ठीक है, देयरफॉर
गर्ल्स की कितनी परसेंटेज हो जाएगी, गर्ल्स परसेंटेज इक्वल टू 40%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।